अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समीर बेग। टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? द सैम्पल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट मस्ट ऑफन बी चेंज्ड व्हेन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रिसीव्ड। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस होती है, ठीक है। वो चेंज हो जाएगी किस वक्त? जब हमें उसके आउटकम्स के बारे में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल होगी, तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगी। द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज टू रिड्यूस द सैंपल स्पेस बाय एक्सक्लूडिंग सम आउटकम्स एज बीइंग इम्पॉसिबल विच बिफोर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन वर बिलीव पॉसिबल। तो जो अब हमें इंफॉर्मेशन हासिल होगी, इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारी सैम्पल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ आउटकम्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। जो कि इस इंफॉर्मेशन को मिलने से पहले हमारे पास वो आउटकम्स पॉसिबल थे, ठीक है, वो अब इम्पॉसिबल हो जाएंगे। The probabilities associated with such an event will reduce the sample space and is called conditional probabilities. और जो हमारे पास इस तरह के इवेंट्स होंगे जिसके अंदर हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हुई होगी, इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कहलाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी इलस्ट्रेट कर लेते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट अस कंसिडर द डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट विथ सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट हमने लिया है और उसकी हमें पता है कि सैम्पल स्पेस 6 आउटकम्स होते हैं उसके सैम्पल स्पेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज वी विश टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स दैट द डाइस शोज 6 से इवेंट ए। अब हम क्या किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं? दैट डाई शोज 6, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं कि डाई में 6 आता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? इवेंट ए। इफ बिफोर सीइंग द आउटकम वी आर टोल्ड दैट द डाई शोज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें मजीद क्या बताया गया है कि डाई शोज एन इवन नंबर, ठीक है। पहले उसने कहा कि डाई शोज 6 और फिर उसने क्या कहा कि डाई शोज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के आने को हम जो है वो इवेंट बी कह देते हैं। देन इंफॉर्मेशन दैट द डाई शोज एन इवन नंबर एक्सक्लूड्स द आउटकम्स 1, 3, 5। अब जब हमें ये कहा गया है कि डाई इवन नंबर शो करेगा, तो इसका मतलब है कि डाई ओड नंबर शो नहीं करेगा, ओड नंबर उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। एंड देयर बाय रिड्यूसेस सैंपल स्पेस टू द सैंपल स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ 3 आउटकम्स। और अब जो हमारे जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। उसमें से हमने जो 3 आउटकम्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं ओड वाले, और जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो हमारे पास आउटकम्स हैं 3। वो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, ठीक है। अब जो रिड्यूस सैंपल स्पेस है वो हमारे पास है बी इक्वल्स टू 2, 4, 6। द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इन रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बी इक्वल्स टू 1/3। वी कॉल्ड 1/3 एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बिकॉज इट इज कंप्यूटेड अंडर द कंडीशन दैट द डैश हैज शोन एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस होगी। पहले हमारी सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स थे? 6। लेकिन अब हमारी सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स रह गए हैं? 3, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? डैश शो 6। 6 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो 3 इवन नंबर्स में से जब एक इवन नंबर सिलेक्ट हो गया तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी डाई शो 6 गिवन दैट डाई शोज इवन नंबर, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड होकर आ गई है, जो है 1/3।
नेक्स्ट हमें ये बताया जा रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एंड इफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, पहले हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा है कि हमने जो फर्स्ट हमें इवेंट हमें दिया गया था उसमें कहा था कि डाई शो 6, तो उसके अंदर हमने उसको इवेंट ए लिया था। ठीक है, और जब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो उसको हमने इवेंट बी लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो इक्वल्स टू जीरो के हो जाता है, तो हमारे पास द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी रिमेन्स अनडिफाइंड। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर वो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो हो जाती है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सियम्स हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई होने चाहिए। इट शुड बी नोटेड दैट प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी सेटिस्फाइज ऑल द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सियम्स हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फुलफिल करती है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एक्सियम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है ये 0 के ग्रेटर या इक्वल होगी और 1 से लेस या इक्वल होगी। ठीक है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 to 1 होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी है ये भी 0 और 1 के बिटवीन में लाई करेगा। सेकंड हमारे पास एक्सियम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमारे पास इसको देख लेते हैं ये कैसे 1 के इक्वल आता है। जो एस इंटरसेक्शन बी है ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है बी के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी हमने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कट जाएगा और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, और इसका थर्ड एक्सियम हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 यूनियन ए 2 गिवन बी, ये हमारे पास किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 गिवन बी। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास ए 1 और ए 2 जो हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जब हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास उनकी इंडिविजुअल जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका सम होगी। ये हमारे पास इसके 3 एक्सियम्स हैं। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, टू कॉइन्स आर टोस्ट, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स रिजल्ट गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 हेड। हमारे पास 2 कॉइन्स हैं जिनको टॉस किया गया है और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड्स की, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 हेड।
और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि देयर इज एटलीस्ट वन हेड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सैंपल स्पेस हमें पता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होगी, क्योंकि दो कॉइन्स हैं और दो कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस हमारे पास फोर आउटकम्स होते हैं उसमें, ठीक है। पहला आउटकम हमारे पास सैंपल स्पेस में है हेड हेड, सेकंड हमारे पास होगा हेड टेल, थर्ड है टेल हेड, एंड देन लास्ट इज टेल टेल। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट टू हेड्स अपीयर। हम ए को, जो हमारे पास ए है इवेंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं कि ये टू हेड्स अपीयर को डिनोट कर रहा है ये इवेंट। एंड बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर, और बी जो हमारे पास इवेंट है वो क्या शो कर रहा है, एटलीस्ट वन हेड अपीयर, ठीक है। तो ए जो ए में जो आउटकम होंगे वो सिर्फ एक ही आउटकम होगा, हेड हेड, ठीक है। और जो बी है उसके अंदर, बी जो इवेंट है उसके अंदर जो आउटकम्स होंगे वो हमारे पास थ्री होंगे, ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड, क्योंकि वो है हमारे पास एटलीस्ट वन हेड। तो इसके अंदर ये तीन आउटकम्स हो जाएंगे। एंड ए इंटरसेक्शन बी, जो इनमें कॉमन होंगे आउटकम्स, वो इन दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन जो आउटकम है वो है हेड हेड, ठीक है, जो के इवेंट ए में भी आ रहा है और जो इवेंट बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या होगी, 3/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगी, 1/4, क्योंकि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम है वो एक ही आउटकम है। तो इसका मतलब है कि 1/ टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 4, जो कि सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 3/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो, क्योंकि उसका एक आउटकम है, और इसलिए जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 थे, इसलिए ये 1/4 आ गया। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड होकर आएगी वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये किसके इक्वल होती है, जैसा हमने पिछले डेफिनेशन के अंदर हमने देख लिया कि इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स को। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये कैलकुलेट होकर आ गई है 1/4, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो यहाँ पर हमने फाइंड की है 3/4, तो 4 4 से कट जाएगा, तो 1/3 हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, जो कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है टू हेड रिजल्ट गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैलकुलेट होकर आगे 1/3। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ मैन थ्रोस टू फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू डाइस विल बी 7, गिवन दैट फर्स्ट है सम इज ओड, सेकेंड है सम इज ग्रेटर देन 6, थर्ड है टू डाइस हैड द सेम आउटकम। हमारे पास दो डाइस हैं जिनको थ्रो किया जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है, सम ऑफ टू डाइस विल बी 7, गिवन दैट फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सम इज ओड, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर पहले सैंपल स्पेस जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो हमारे पास डाइस का, जो हमारे पास डाइस का जो एक्सपेरिमेंट होता है टू डाइस का, ठीक है, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास दो डाइस हैं
तो दो डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 36। 36 आउटकम्स होंगे जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे। तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर आपको साइड पर शो हो रही है टेबल के अंदर के कैसे सैम्पल स्पेस हमारी 36 बनती है टू डाइस की। ठीक है, तो लेट ए इक्वल्स टू सम इज 7। अब हमने इवेंट ए क्या रखा कि हमारा जो सम है टू डाइस का वो है 7। बी हमने क्या रखा, सम इज ओड। और सी जो है उसको हमने रखा सम इज ग्रेटर देन 6। और जो डी है इवेंट डी, इसको हमने रखा सेम आउटकम। तो वही अभी पिछली एग्जांपल ही कंटिन्यू है आगे भी, कि हमारे पास जो ए है इवेंट ए, इसके अंदर हमारे पास जो हमें कहा गया है एग्जांपल के अंदर के इवेंट ए जिसको हमने रखा कि सम इज 7। ठीक है, तो सम इज 7 किन किन पॉइंट्स पर जो है सम दो डाइस का जो है वो 7 होगा। वो इस तरह होगा कि अगर पहले डाइस पे जो है वो 1 आ जाए और सेकंड डाइस पर 6 आ जाए। ठीक है, इस तरह 1 6 एक आउटकम हो गया। और जब एक डाई पर 2 आए और दूसरे डाई पर 5 आए, ठीक है, तो 5 प्लस 2 7 आया, ये हमारे पास सेकंड आउटकम हो गया। इसी तरह अब हमने थर्ड आउटकम देखा कि किसके अंदर हमारे पास सम जो है किन पॉइंट्स पर 7 आ रहा है, तो वो है 3। अगर एक डाइस के ऊपर 3 आए और सेकंड डाइस के ऊपर 4 आए, ठीक है, तो 3 4, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। इस तरह हमने जिन जिन पॉइंट्स के पॉइंट्स पे हमारा जो है सम ऑफ डॉट्स 7 आएगा, वो वाले हमने आउटकम्स इस हमारा जो इवेंट ए है इसके अंदर हमारे वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो इवेंट बी है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सम इज द सम इज ओड। तो हमारा जो दो डाइस पर जो हमारे पॉइंट्स होंगे सम ऑफ डॉट्स जो है वो हमारा आना चाहिए सम इज ओड, कि हमारा जो सम है ओड आना चाहिए। और ओड किस सूरत में आ सकता है कि अगर हमारा फर्स्ट जो डाई है उसके ऊपर 1 आ जाए और जो सेकंड डाई है उसके ऊपर हमारा 2 आ जाए। ठीक है, तो 1 प्लस 2 ये इक्वल्स टू 3 है। इसी तरह 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 है, ये सेकेंड आउटकम हो गया। 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7 बनता है, तो इसलिए ये हमारा थर्ड आउटकम हो गया। इसी तरह हम सारे पॉइंट्स को देखते जाएंगे सैम्पल स्पेस में कि किन किन पॉइंट्स पर जो है वो हमारा सम ओड आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इवेंट सी के लिए फाइंड करेंगे और डी के लिए फाइंड करेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो वाले पॉइंट्स जो ए में भी होंगे, इवेंट ए में भी होंगे और इवेंट बी में भी होंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से आउटकम्स हैं। फर्स्ट है 1 6। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इवेंट ए के अंदर भी 1 6 आ रहा है और इवेंट बी के अंदर भी 1 6 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरह जो हमारे कॉमन पॉइंट्स आते जाएंगे उनको हम यहाँ लिखते जाएंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन डी जो है वो हमारे पास नल आ रहा है क्योंकि ये इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या हुई कि इवेंट ए के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ टू डाइस, टोटल आउटकम्स ऑफ टू डाइस, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने हमारे पॉइंट्स हैं, 18। बी के आउटकम के अंदर हमारे पास पॉइंट्स हैं 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 36। इसी तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई 21 बाय 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 36। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड किया 6 बाय 36
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, 6/36 आ रहा है वो हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी गेट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अब हमने जो डेफिनेशन है उसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है हमारे पास के ए इवेंट था के सम इज 7, गिवन दैट के अंदर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, सम इज ओड। ठीक है, सम इज ओड को हमने इवेंट बी से डिनोट किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास 6/36 है, इसको हमने डिवाइड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से जो कि है 18/36। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है वो हमारे पास आ गई 1/3 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है। सेकंड में उसने हमारे हमारे क्या कंडीशन लगाई हुई थी कि द सम इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास था 6/36, इसको हमने डिवाइड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से जो कि था हमारे पास 21/36। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2/7। और इसी तरह सेम तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट जो हमारे पास थर्ड कंडीशन जो हमें गिवन है वो है द टू डाइस हैड द सेम आउटकम। ठीक है, कि दो डाइस के जो हैं वो आउटकम सेम है, तो ये हमारे पास इवेंट बी था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0 के इक्वल आई थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो 6/36 है, तो 0 × 6/36 तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, इसी तरह हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे हमने इन तीन इवेंट्स के लिए हम तीन कंडीशंस जो हमें गिवन थी डाइस की, तो इस तरह हमने इसी एग्जांपल के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड की। अब हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास 52 होते हैं, जिसमें रेड कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास 26 होते हैं और जो ब्लैक कार्ड हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, रेड भी 26 और ब्लैक भी 26, तो 26 + 26 = 52 नंबर कार्ड्स। अब इनके अंदर हमारे पास नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 36। पिक्चर कार्ड्स हमारे पास होते हैं 12। एसेस जो हैं वो हमारे पास होते हैं 4। ठीक है, फोर कलर्स आर हार्ट 13, डायमंड 13, क्लब 13, स्पेड भी 13। ठीक है, ये हमारे पास जो फोर कलर्स जो हैं वो हमारे पास हार्ट के, डायमंड के और क्लब और स्पेड। ठीक है, ये हमारे पास कलर्स कार्ड हो गए। तो इस तरह हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। और अब अगर हमारे पास जो है हार्ट के 13 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो 13 ये किस तरह 13 बनेगा कि इसके अंदर नंबर कार्ड्स जो हैं वो 9 होंगे, पिक्चर कार्ड्स हमारे पास 3 होंगे और एस जो है वो 1 होगा। ठीक है, इस तरह इसकी कार्ड्स की डिवीजन होती है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं। अब हमने पिछली स्लाइड में जो हमने कार्ड्स की डिवीजन देखी कि किस तरह हम कार्ड्स की डिवीजन होती है, कितने कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड एंड सेकंड है पिक्चर कार्ड।
ठीक है, नंबर कार्ड और पिक्चर कार्ड की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स गिवन दैट द कार्ड इज रेड। ठीक है, और ये आपको कंडीशन गिवन है कि द कार्ड इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है कार्ड्स का कॉन्सेप्ट, इधर आप ये क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे।